धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत और अपनी नियुक्ति पर केंद्रीय नेतृत्व को किया धन्यवाद। खट्टर सरकार पर जमकर साधा निशाना और जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा, जेपी नड्डा को खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही तो कभी खेत में गए हैं और ना ही कभी उन्होंने किसान की तरह फसल बेची है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज सारे कुरुक्षेत्र के साथियों ने, विशेष तौर से ब्राह्मण समाज ने मेरे सर पर अपने आशीर्वाद का हाथ जिस प्रकार से एक बार फिर रखा है, मैं ब्राह्मण समाज का विशेष तौर से कृतज्ञ हूँ। कुरुक्षेत्र की इस कुरु भूमि के संत महात्माओं का, कांग्रेस पार्टी के साथियों का, ब्राह्मण समाज के मेरे सब बड़े बुजुर्गों का, मेरी हम उम्र मेरे साथियों का बहुत बहुत कृतज्ञ। ये मान सम्मान रणदीप सिंह सुरजेवाला का नहीं, ये हर उस कांग्रेस के कार्यकर्ता का है जिसने 5 दशक तक विश्वास रखकर, पार्टी का झंडा पकड़कर, सोनिया जी और राहुल जी का झंडा पकड़कर लगातार कार्य किया है। आज देश संकट में है, क्योंकि आज देश की मोदी सरकार, देश की संसद में आज ही के इस काले दिन को 3-3 काले कानून लेकर आई है। किसान के खेत और खलिहान पर हमला बोला है, किसान के खेत खलिहान और खेती को कुछ मुट्ठी भर उद्योगपतियों की जोड़ी पर गिरवी रखने का षड्यंत्र किया जा रहा है। हमारे SC BC के भाइयों जो मजदूर हैं, उनकी रोजी रोटी छीनने का षड्यंत्र किया जा रहा है। मंडी में दुकान करने वाले आड़तियों, तोलने वाले तोलों, मुनीम का काम करने वाले मुनीम भाइयों, ट्रांसपोर्टर का काम करने वाले ट्रांसपोर्टरों, शेलर का काम करने वाले छोटे छोटे उद्योगपतियों, उनकी रोजी रोटी पर हमला बोला गया है। कांग्रेस पार्टी कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि से जो किसानों का, मजदूरों का, आड़तियों का, गरीबों का जो संघर्ष शुरू हुआ था, अब कांग्रेस पार्टी आज संसद में इसका विरोध। कुरुक्षेत्र से निर्मला दूत की रिपोर्ट। ऐसे ही और खबरें देखने के लिए देखते रहें यस TV।